पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि जो हाल आम आदमी पार्टी का पंजाब में हुआ था वही हाल दिल्ली में होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह हरिनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सेतिया के लिए वोट मांगने आए। कैप्टन ने दावा किया कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैप्टन अमरिंदर ने दिल्ली में ध्रुवीकरण की आशंका पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हरिनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सेतिया के समर्थन में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सुरेंद्र सेतिया के लिए वोट की अपील के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन के मुताबिक पंजाब चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी प्रचार के माध्यम से जीत का दावा कर भ्रम फैला रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। पंजाब सीएम ने आम आदमी पार्टी के उस दावे को भी खारिज किया कि कांग्रेस सत्तारूढ़ राज्यों में फ्री पानी और सस्ती बिजली नहीं मिलती। 3500 करोड़ का इन्होंने देता है अपना जो ये है दिस सबसिडी, मैं तो 9700 करोड़ दे रहे हैं सबसिडी। सो एंड साड़ी आबादी का फर्क नहीं ज़्यादा, दिल्ली की आबादी है 2 करोड़, मेरी 3 करोड़। सो इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन जी कॉन्ट्रीब्यूशन असी कर रहे हैं जो सारे मेरे किसानों फ्री, मेरी सारी गरीब जनता फ्री पानी 200 और बिजली फ्री 200 यूनिट तक, सारा कुछ है जो ये कर रहे हैं वो असं पहला तो ही कर रहे हैं। कितनी सीटें दिल्ली तुम्हें लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी से लेगी? नहीं, वो नाम नहीं मैं पता, मैं ले सका, लेकिन ये मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पोजीशन अच्छी होगी दिल्ली में, और हमारी सरकार पे हम जरूर पूरी, हमारा दावा है कि हम बनाएंगे। बीजेपी शाहीन बाग का मुद्दा उठा रही है, पोलराइजेशन तक की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कामयाबी हासिल होगी? पंजाब सीएम ने शाहीन बाग, जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी में हुए बवाल पर भी केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कैप्टन ने कहा कि देश का माहौल खराब कर चुनाव नहीं जीते जाते। हिंदुस्तान आज दुखी है जिस तरीके से ये काम चल रहा है, आज सारी यूनिवर्सिटीज में झगड़े चल रहे हैं, और ये जो नया इन्होंने काम शुरू कर दिया कोई पसंद नहीं करता इस बात को। ये हिंदुस्तान तोड़ने की बातें कर रही है, जोड़ने की बातें नहीं है। हरिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सेतिया अपने काम के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष नगर वार्ड में उनके काम को हरिनगर की जनता बखूबी जानती है। सेतिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रचार से आत्मविश्वास से लबरेज हैं और खुद की जीत के लिए आश्वस्त भी हैं। इस समय जनता जो है पूरी ये कह रही है, हर तरफ पूरी विधानसभा के अंदर एक ही बात चल रही है, हमने वोट देना है सुरेंद्र सेतिया को देना है। दिल्ली के अंदर पूरे अपना हरिनगर विधानसभा के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो सिर्फ ये हो रहा है कि एक ईमानदार आदमी, काम करने वाला व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे वार्ड के अंदर जो काम देखा, जो सुभाष नगर वार्ड के अंदर, और जो मैंने कह दिया था वो काम करके दिखाए, और आज तक कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सका कि किसी आदमी से भी किसी तरह का भी जो है पैसा लिया गया मेरे वार्ड के अंदर, या किसी तरह के भी जो है जो जितने भी काम एरिए के अंदर हुए हैं, जितना बजट लेके आते हैं पूरे का पूरा बजट जो है अपने वार्ड के अंदर जो है कामों के ऊपर लगता है। आज जो है पब्लिक को विश्वास है कि सुरेंद्र सेतिया विधानसभा में जाएगा, जो हमारे एरिया की जो समस्या है जैसे सीवर की, आज जो है हमारे वार्ड के अंदर जो है पूरी विधानसभा के अंदर यही है कि सीवर की लाइनें डलने वाली हैं, पानी की लाइनें डलनी हैं, जो भी समस्या है आते ही उनको जो है एकदम उनके कार्य करवाए जाएंगे, ये पूरी जनता का जो है पूरे क्षेत्रवासियों को मेरे ऊपर ये विश्वास है। अपने काम के अलावा सुरेंद्र सेतिया के लिए एक प्रमुख मुद्दा ये भी है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने बाहरी नेताओं को हरिनगर विधानसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है। हरिनगर विधानसभा सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी इस सीट से जीती थी। सेतिया को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक का टिकट काटे जाने और पूर्व कांग्रेसी को ही उम्मीदवार बनाने से उन्हें लाभ मिलेगा। तरुण कार्ला, टोटल न्यूज़, दिल्ली।